वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट जो है, या उसको हम कह सकते हैं नेटवर्क थ्योरी भी है, उसमें थ्योरम्स टॉपिक्स को। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं बीटेक और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी नंबर ऑफ थ्योरम्स हैं, जैसे सुपरपोजिशन हुई, थेवेनिन्स हुई, नॉर्टन्स हुई, रेस्प्रोसिटी भी हुई। इन सारे थ्योरम्स को हम एक एक टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं, और हर एक थ्योरम को हम किसके साथ, एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली थ्योरम है, देखो कौन सी है, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है हमारा? सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट। लीनियर आप जैसे जानते हैं, बाई डायरेक्शनल जिसमें दोनों तरफ से हमारा करंट फ्लो हो सकता है। इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सोर्सेज, मोर इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सोर्सेज, द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांच इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाई द इंडिविजुअल सोर्सेज, वाइल रेस्ट ऑफ द सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंसेज। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई लीनियर सर्किट दे रखी है जिसमें बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और उसमें मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए, क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। जैसे कि ये 4 वोल्ट लगा हुआ है, 2 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ दो हमने बैटरी कनेक्टेड है इस वाली सर्किट में, जैसे देख रहे हो ऐसे यहाँ पर करंट भी लग सकता है, यहाँ पर भी कोई करंट हो सकता है, और किसी भी जगह पर हमारे इसमें करंट और वोल्टेज हम लगा सकते हैं। अगर ऐसी कोई हमारी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांच, अगर किसी भी हमारी ब्रांच के अंदर हमसे रिस्पॉन्स पूछ लिया, रिस्पॉन्स मतलब कोई करंट पूछ लिया या वोल्टेज पूछ लिया, जैसे चाहे 1 ओम में पूछ लिया, 3 ओम में पूछ लिया या 2 ओम में पूछ लिया, तो द रिस्पॉन्स इन एनी ऑफ द ब्रांच इज इक्वल टू, अगर किसी भी ब्रांच के अंदर हमें रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो किसके इक्वल है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज कॉस्ट बाई द इंडिविजुअल सोर्सेज। मतलब क्या है कि उनका एल्जेब्रिक सम करना है, किसका, अगर ये दो रेजिस्टेंस हैं, इनका हम इंडिविजुअल को, एक को एक्टिव करके एक को डीएक्टिवेट करके उसके इंडिविजुअल सम्स का हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, तो हमारा टोटल जो रिस्पॉन्स आएगा वो उस वाले एलिमेंट्स के अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, और बाई वाइल रेस्ट ऑफ द सोर्सेज आर रिप्लेस बाई इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज को हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा उसमें जीरो होता है, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगर मेरा करंट सोर्सेज है तो करंट सोर्स को हम क्या करने वाले हैं, करंट सोर्स को हम करते हैं ओपन सर्किट। तो ये हमारी थ्योरम है जो हमें कह रही है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ में चेक करते हैं कि ये किस तरह से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब हम करने वाले हैं कि जो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम को और किस तरह से वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, 4 वोल्ट और ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और हमें करंट आई पूछा है इस डायरेक्शन में। क्या है, फाइंड करंट आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को लगा के हमें इसमें करंट आई पता करना है। तो हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या था कि अगर हमारे पास मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों, तो हमें अगर किसी ब्रांच के अंदर कैलकुलेट करना हो, रेस्पॉन्स हमारा वोल्टेज भी कैलकुलेट करा सकता है या करंट भी कैलकुलेट करा सकता है। तो हमसे अब 2 ओम के लिए पूछा रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल सोर्सेज। रेस्पॉन्स इसके द्वारा जो क्रिएट हो रहा है इसमें, और इसके द्वारा 2 वोल्ट के द्वारा जो क्रिएट हो रहा है 2 ओम के अंदर, दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो हमारा टोटल रेस्पॉन्स आ जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस पे। तो और उसके बाद क्या करेंगे, कब, व्हाइल रेस्ट ऑफ द सोर्सेज आर रिप्लेस बाय इट्स इंटरनल इम्पिडेंसेज, इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास इसमें दो केस बनते हैं कि पहले इसको हम एक्टिव रख लें, दूसरे वाले को डीएक्टिव कर दें, या फिर दूसरे वाले को हम एक्टिव रख लें, पहले वाले को डीएक्टिव कर दें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, 4 वोल्ट को तो रख रहे हैं हम एक्टिव, और 2 वोल्ट को हम कर देते हैं डीएक्टिव, मतलब शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स हमारा इंटरनल इम्पीडेंस में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अब इसमें देखो, केस फर्स्ट में कर दिया हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। अब हमें करंट, ये मान लिया कि अब हम इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हो रहा है, किसके कारण, 4 वोल्ट के कारण। तो देखो 2 ओम और 3 ओम अब मेरे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। 2 ओम 3 ओम जब पैरेलल में आ गए तो किस तरह से हम इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं, 2 पैरेलल टू 3 ओम। तो हमारा जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 × 3/2+3। तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 6/5। और इसके बाद ये दोनों जब रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, वो किसके सीरीज में, 1 ओम के।
तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 11/5। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज हमारा 4 वोल्ट है। तो हमारे 1 ओम के अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है, मान लिया कि ये IT, तो ये IT कितना फ्लो होने वाला है, तो मेरा IT इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है 4 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 11/5। तो ये हो गया मेरा 20/11, ये मेरा टोटल करंट हो गया, ये IT कितना हो गया 20/11। अब ये जाके दोनों इन ब्रांच में डिवाइड होने वाला है फर्दर, तो दोनों ब्रांच हमारी पैरेलल में है, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल से। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है हमारा, अगर जिस भी ब्रांच के अंदर हमें रेस्पॉन्स पता करना हो तो उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल में ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों ब्रांचेज का रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो देखो क्या हो गया हमारे को, अगर हम बात करते हैं I1, तो I1 क्या हो गया, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है 3 ओम, 3 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2+3 इनटू टोटल करंट है 20/11। तो ये हो गया मेरा 3/5 इंटू 20/11, 5 से ये 4 टाइम्स कट हो गया, तो ये हो गया 12/11। तो हमारा 4 वोल्ट के थ्रू जो करंट निकला है, रेस्पॉन्स निकला है, वो कितना है 20/11। तो इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लेते हैं केस सेकंड, क्या लेते हैं केस सेकंड। सेकंड केस में क्या करते हैं, इसको तो हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इसके इंटरनल इम्पीडेंस से, मतलब इसको कर देते हैं इस बार हम शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये IT वगैरह सब मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो अब मेरा जो रेस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे हमने वापस से 2 ओम को एक्टिव कर लिया। अब देखो करंट जो फ्लो हो रहा है मेरा, अब किस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये मेरा 1 ओम और 3 ओम इस वाले केस में कौन सा केस फर्स्ट हमारा आ गया था, और केस फर्स्ट में हमारी I1 की वैल्यू क्या आ गई थी 12/11। अब करते हैं केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करते हैं, 4 वोल्ट को तो हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, और 2 वोल्ट को हमने कर लिया अब एक्टिव। अब 2 वोल्ट के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है, वो मान लिया मैंने I2 फ्लो कर रहा है, तो I2 फ्लो कर रहा है। अब ये दोनों 1 ओम और 3 ओम क्या हो गए, मेरे दोनों के दोनों इसमें आ गए पैरेलल में, जैसे उसमें मेरे 2 और 3 आए थे उस वाले केस में, इस तरह से पर इस वाले केस में मेरे 1 और 3 के आगे पैरेलल में। तो ये हो गया मेरा केस सेकंड, केस सेकंड में मैंने ले लिया 2 वोल्ट को तो कर दिया क्या एक्टिव, और 4 वोल्ट हो गया मेरा क्या शॉर्ट सर्किट, 4 वोल्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। अब मेरे 1 ओम पैरेलल आ गया किसके 3 ओम के, तो इसका मतलब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 × 3/1+3, तो ये आ गया मेरा 3/4। अब ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंस किसके सीरीज में, 2 ओम के सीरीज में, 2 ओम के सीरीज में, तो क्या हो गया 2+3/4, तो ये हो गया मेरा 11/4। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज हमें पता है, तो करंट अगर हम इस बार निकालते हैं तो मेरी I2 की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगी, क्योंकि I2 टोटल करंट अब यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो I2 की वैल्यू हो गई मेरी 2 वोल्ट अपॉन 11/4, तो ये हो गया मेरा 8/11, ये मैंने मान लिया सेकंड। देखो हमारे 4 वोल्ट के कारण जो रेस्पॉन्स आया था उसकी डायरेक्शन ये थी, और हमारे 2 वोल्ट के कारण आया रेस्पॉन्स डायरेक्शन कैसे ऐसे, और हमको पूछी गई इसमें इस डायरेक्शन में पूछी गई है, तो इसका मतलब जो I2 है मेरा ये क्या है, इसको लेंगे हम -I2। तो देखो अगर हम टोटल रेस्पॉन्स निकाल लेते हैं, तो टोटल रेस्पॉन्स क्या हो जाता है हमारा, रेस्पॉन्स हो जाता है टोटल रेस्पॉन्स इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स 4 वोल्ट के कारण कितना आया मेरा I1, और दूसरे का क्या है 2 वोल्ट के कारण कितना है +I2, पर I2 को हम लेंगे नेगेटिव, क्यों लेंगे मैंने बताया, जैसे कि इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो ये हो जाएगा मेरा I1 की वैल्यू है 12/11 -8/11 इक्वल टू 4/11। तो देखो ये हमारी यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया, जो रेस्पॉन्स है वो कितना आ रहा है मेरा 4/11 आ रहा है, दोनों का इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज हमने निकाल लिया और उनका एल्जेब्रिक सम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।